हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे और आपके चैनल विदाता नर्सिंग होम गार्डनिंग पे। आप जो प्लांट स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा राफ्ट स्टाइल का जड़ का बोनसाई है। आज मैं इसकी कटिंग करूंगा ताकि मैं इसे प्रॉपर शेप में ला सकूं। मैंने एक बड़े साइज़ के पोट में इसे लगाया हुआ है ताकि ये अच्छे से अपनी ग्रोथ को ले सके और धीरे धीरे ये अपनी शेप भी ले रहा है। बट इसके ऊपर ज़्यादा वेट होने के कारण ये ऐसे ही नीचे की साइड झुक गया है। तो आज मैं इसे थोड़ा सीधा भी करूँगा और इसकी कटिंग करके इसे एक अच्छी सी शेप दूंगा। मेरे यहाँ का मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश का है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो मेरे सारे प्लांट्स बड़े ही खुश है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसकी कटिंग करूं और आपके साथ शेयर करूं। हम सबसे पहले जो इसकी रूट के नज़दीक से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है उन्हें कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमारे प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी को भी ऑब्जर्व करती है। दूसरा, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इन सभी को कट करके अलग निकाल देंगे। जेड प्लांट बहुत ही इजी ग्रो होता है और बहुत ही जल्दी शेप ले लेता है। आप चाहें तो इनके जैसी जो मोटी कटिंग है आप उन्हें इजीली ग्रो भी कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे जेड प्लांट हैं तो मैं इन्हें ग्रो नहीं करूँगा। मैं इन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ और बाद में जब ये प्रॉपर तरीके से डीकम्पोज हो जाती है तो मैं इन्हें एज ए खाद के तौर पे मेरे प्लांट में इस्तेमाल करता हूँ या सॉइल मिक्सर में इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसकी तीन अलग अलग कैनोपीज़ बनाई है जो कि राफ्ट स्टाइल के लिए है। मैं इन तीनों को प्रॉपर शेप में लेके आऊँगा और इनकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है हम उन सभी ग्रोथ को अच्छे से कट करके हमारी तीनों ही कैनोपी को प्रॉपर साइज़ दे देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और प्लांट भी प्रॉपर शेप में दिखे। जो सबसे छोटी कैनोपी है मैं अभी उसी की कटिंग कर रहा हूँ और बीच वाली जो कैनोपी है वो सबसे बड़ी है और दोनों ही साइड से थोड़ी थोड़ी उससे डाउन है ताकि प्लांट हमारा एक प्रॉपर शेप में दिखे। मैंने इसकी काफ़ी दिन से प्रूनिंग नहीं की थी तो ये शेप में नहीं था। प्रूनिंग करने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपका प्लांट बहुत ही घना हो जाता है, दूसरा वो प्रॉपर शेप में भी रहता है। अगर आप अपने प्लांट को ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग बार बार करें। ये तीनों ही ब्रांचें मेरी एक साइड झुक गई है तो मैं इन्हें लकड़ी की सपोर्ट दूंगा ताकि ये सीधी रहे, क्योंकि ये सीधी रहेगी तभी हमारा प्लांट अच्छी शेप में दिखेगा और जिस शेप में हम इसे दिखाना चाहते हैं ये उसी शेप में दिखेगा। तो आपको मेरा प्लांट कैसा लगा है राफ्ट स्टाइल, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना है। आप किसी भी स्टिक की सहायता से अपने प्लांट को सीधा रख सकते हैं। सीधा रखने के लिए आप स्टिक या वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेरे प्लांट में पहले वायरिंग की हुई थी, अब उसके मार्क्स आ गए हैं तो मैंने उसे हटा दिया है। अब मैं इसे स्टिक की सहायता से सीधा कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी रूट की कितनी अच्छी ग्रोथ है, ट्रंक भी कितनी अच्छी मोटाई है। और इसको मैंने प्लांट को सीधा रखने के लिए साथ में ये लकड़ी की अलग से सपोर्ट लगाई है। देख के बताना कि मेरे राफ्ट स्टाइल का बोनसाई आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्लांट के बारे में मैं और भी जानकारी समय समय पर देता रहूँ। धन्यवाद।